Hi everyone, welcome to the official YouTube channel of NYAY Academy, where we promise you to provide quality content for UPSC, Law and Commerce. Today's video will be on cost accounting. This video is helpful for those students jo SEBI General or UGC NET Commerce and Management ke liye prepare kar rahe hain. In total, there will be 2 to 3 videos to cover entire syllabus of cost accounting. एंड ये वीडियो पार्ट वन है जिसमें हम इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग समझेंगे एंड वी विल डिस्कस एलिमेंट्स एंड टाइप्स ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट यूनिट, कॉस्ट सेंटर, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर एंड कॉस्ट शीट. लेट्स स्टार्ट विद दिस. बिफोर वी स्टार्ट विद कॉस्ट अकाउंटिंग, लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग. देर आर थ्री ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग: फाइनेंशियल, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट. Financial accounting is a process of recording, classifying, summarizing and reporting the financial transactions so that at the end of the year business ki financial position aur profitability pata chal jaye investors ko, that means internals or external users. Cost accounting is the process of recording, analyzing and reporting all of the company's cost, variable and fixed, jo ki production se related hai. जो भी आपकी जो भी फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट है, जब वो हम कंपनी की रिपोर्ट में प्रेजेंट करते हैं, दैट इज द प्रोसेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग. एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग रिपोर्ट्स अबाउट द बिजनेस ऑपरेशंस, जिसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग के फैक्ट्स भी आ जाएंगे और कॉस्ट अकाउंटिंग के भी आ जाएंगे. इन दोनों की हेल्प से मैनेजर्स कैन मेक शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म डिसीजंस. Let's first start with difference between cost and financial accounting. ये दोनों अपने objective में differ हैं. क्यों? Cost accounting का objective है cost per unit निकालना, so that company can fix the selling price in such a way कि उनका profit maximize हो जाए. Financial accounting का objective है कि वो profitability check कर सके और financial position check कर सके at the end of the financial year of the company. Cost accounting की जो reports हैं वो prepare करी जाती हैं जब management को चाहिए. मतलब अगर आज एक contract आया है, उसका cost निकालना है, तो तब management निकाल सकते हैं. कुछ fixed time period नहीं है कि हर साल या हर हफ्ते या हर महीने करना. It is as and when required by the management. लेकिन financial accounting में हर साल के end में बनाना ही है. 31st मार्च को आपके अकाउंट्स क्लोज होंगे ही. 31st मार्च ऑफ एवरी ईयर वी हैव टू कैलकुलेट कि कितना प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन है, क्या फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी के मार्केट में है. कॉस्ट अकाउंटिंग के एंड यूजर्स सिर्फ इंटरनल यूजर्स होते हैं, बिकॉज मैनेजमेंट ही कॉस्ट के बेसिस पर डिसाइड करती है. बट फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जो यूजर्स हैं वो इंटरनल भी हैं और एक्सटर्नल. कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हिस्टोरिकल एंड फ्यूचर कॉस्ट दोनों यूज होती है. हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेसिस पे वो अपने स्टैंडर्ड्स एस्टिमेट करते हैं कि फ्यूचर में कॉस्ट कितना होगा. तो बोथ टाइप ऑफ कॉस्ट कैन बी यूज्ड, हिस्टोरिकल एंड फ्यूचर. बट फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही सारी चीजें रिकॉर्ड करते हैं. हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल इज द लाइक कन्वेंशन ऑफ द अकाउंट्स कि हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही सब कुछ रिकॉर्ड होगा. कॉस्ट अकाउंटिंग में मॉनेटरी एज वेल एज नॉन मॉनेटरी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड कर सकते हैं. मॉनेटरी एज इन विच कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी, और नॉन मॉनेटरी जब हम उसमें यूनिट्स लिखते हैं. व्हेन वी राइट 20,000 यूनिट्स एट रुपीज 10, दैट इज 2 लाख. तो कॉस्ट अकाउंटिंग में 20,000 भी रिकॉर्ड होगा, 10 भी रिकॉर्ड होगा और 2 लाख भी रिकॉर्ड होगा. लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सिर्फ मॉनेटरी वैल्यूज रिकॉर्ड होती हैं, उसमें कितनी यूनिट्स आई, कितनी यूनिट्स गई, ये सब रिकॉर्ड नहीं होता. नाउ द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग. फर्स्ट, दे डिफर विद देयर ऑब्जेक्टिव. बिकॉज कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है टू कैलकुलेट कॉस्ट पर यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट, बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है कि इंफॉर्मेशन को गैदर करना और उस इंफॉर्मेशन को यूज करना इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, कंट्रोलिंग, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एंड डिसीजन मेकिंग. वो उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग डिसीजन लेते हैं. एंड यूजर्स कॉस्ट अकाउंटिंग में सारे इंटरनल यूजर्स होते हैं, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग में सिर्फ मैनेजमेंट होगा. अब एम्प्लॉयज भी तो इंटरनल यूजर्स हैं, बट एम्प्लॉयज के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन रेलिवेंट है, बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग की रेलेवेंट नहीं है, बिकॉज उनके पास डिसीजन मेकिंग की अथॉरिटी नहीं है.
सो इंटरनल यूजर्स मैनेजमेंट अकाउंटिंग की रिपोर्ट्स के सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट ही होता है. देन स्कोप, कॉस्ट अकाउंटिंग सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट रिलेटेड डेटा ही कंसिडर करता है. तो द स्कोप ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग इज नैरो, बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग का स्कोप ब्रॉडर है, क्योंकि इसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग के डेटा भी यूज होते हैं और कॉस्ट अकाउंटिंग का डेटा भी यूज होगा. टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन कॉस्ट अकाउंटिंग यूज करता है सिर्फ क्वांटिटेटिव, विच कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी, बट क्या क्वालिटी है. ठीक है, इस टाइम पे कॉस्ट एक वेंडर कॉस्ट कम प्रोवाइड कर रहा है, बट क्या क्वालिटी अच्छी है. कॉस्ट अकाउंटिंग में ये सब रिपोर्ट नहीं जाती. मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये भी रिपोर्ट करेगा कि अगर कॉस्ट कम है, दैट इज क्वांटिटेटिव, तो क्वालिटी कैसी थी, कम थी ज्यादा थी, सो दैट डिसीजन कैन बी टेकन कि अगली बार उस वेंडर से लेना है या फिर नहीं लेना. नाउ लेट स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ कॉस्ट एंड कॉस्टिंग. कॉस्ट मीन्स एनी एक्सपेंडिचर विच वी इनकर टू प्रोड्यूस गुड और रेंडर सर्विसेज. जब भी हम गुड्स या सर्विस को प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसमें कितना खर्चा हो रहा है, दैट इज द कॉस्ट. दैट इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द एक्सपेंडिचर्स ऑन रॉ मटेरियल्स, इक्विपमेंट, सप्लाईज, सर्विसेज, लेबर एंड प्रोडक्ट. और कॉस्टिंग इज द प्रोसेस टू डिटर्मिन दिस कॉस्ट. इसमें एक टेक्निक इन्वॉल्व है जिसमें से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर द प्रोडक्ट्स और सर्विसेज इन द ऑर्गेनाइजेशन. So cost means the expenditure and costing means the process to determine that expenditure. Now the meaning of cost object, unit and center. Cost object एक technical name है for the product or service, project, department और कोई भी activity जिसकी हमें cost निकालनी है. So therefore the cost should always be linked with the cost object. जब भी हम कुछ cost निकालते हैं, वो हम किसी cost object के निकालते हैं. So to create a sound costing system, cost object should be relevant. अब cost object को हम broadly भी determine कर सकते हैं और narrowly भी define कर सकते हैं. अगर हम cost object को broad level पे समझते हैं, तो वो होता है cost center, और अगर lower level पे करते हैं, तो that is a cost unit. Cost unit is narrowest possible level of the cost object. It is a technique in which we break up or separate cost of the product or services. मतलब जब हमें product और services की cost को relate करना है और smallest way में relate करना है, तो we use the cost account, cost unit. So let's understand कि what is the example of the cost unit. जैसे automobile industry के लिए cost unit होगा number of vehicles, for cement it will be ton, for chemicals or fertilizers it will be liter, kilograms or tons. For power, it will be kilowatt hours. For transport, it would be ton kilometer or passengers per kilometer. For hospital, it would be patient or per day. For hotel, it would be bed per night. For education, it will be student per year. Then we have a cost center. Cost center means a location, person or any equipment jiski hame cost nikalni hai, so that we can control cost. Now, cost centers are of two type, personal or impersonal. Personal means which consist of person or a group of person. मतलब जहाँ पे person की हम cost निकालते हैं, that is the personal cost center. But जहाँ पे हम rather than person, कोई equipment या कोई machinery की या कोई location की cost को determine करते हैं, that is the impersonal cost center. और manufacturing concern में cost center दो तरह के होते हैं, production cost center और service cost center. बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में कुछ सेक्शंस, कुछ डिपार्टमेंट्स बने होते हैं, और वो डिपार्टमेंट या तो प्रोडक्शन से लिंक्ड होंगे या फिर सर्विस से लिंक्ड होंगे. प्रोडक्शन सेंटर्स वो होते हैं जहाँ पे प्रोडक्शन वर्क होता है, जहाँ पे रॉ मटेरियल्स को प्रोसेस करके फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल मशीन शॉप और वेल्डिंग शॉप्स. और सर्विस कॉस्ट सेंटर्स आर एंसिलरी टू दीज प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स, फॉर एग्जाम्पल मेंटेनेंस, एडमिनिस्ट्रेशन एटसेट्रा. Now the number and size of these centers may vary from factory to factory. Now let's start with the meaning of cost accounting. Cost accounting is classifying, recording and appropriate allocation of the expenditure so that we can determine ki ek particular product or service ka kya cost hai. The features of cost accounting are, it is the process of accounting for
कॉस्ट। इट रिकॉर्ड्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इट प्रोवाइड स्टैटिस्टिकल डेटा जिसके बेसिस पे हम फ्यूचर एस्टिमेट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, फ्यूचर एस्टिमेट्स कॉस्ट के लिंक में हम प्रिपेयर कर सकते हैं। इट इज कंसर्न्ड विद कॉस्ट अटेनमेंट, दैट मीन्स कॉस्ट कैलकुलेशन, कॉस्ट कंट्रोल, उसे कंट्रोल करना, और अगर कंट्रोल के बाद वी कैन रिड्यूस इट तो कॉस्ट रिडक्शन। इट एस्टेब्लिशेस बजट्स स्टैंडर्ड्स सो दैट एक्चुअल कॉस्ट में बी कंपेयर टू फाइंड आउट वेरियंसेस। अब कॉस्ट अकाउंटिंग में हमेशा लाइक हिस्टोरिकल कॉस्ट के रिलेटेड हम फ्यूचर एस्टिमेट्स निकालते हैं। फ्यूचर एस्टिमेट से वी सेट अ स्टैंडर्ड कि यस इट शुड बी द कॉस्ट, एक स्टैंडर्ड सेट हो जाता है। अब एक पर्टिकुलर अगर डिपार्टमेंट उस स्टैंडर्ड को क्रॉस कर देता है तो देयर कैन बी अ डेविएशन। सो उस डेविएशन को हम देखते हैं कि व्हाई दिस डेविएशन हैज कॉस्ट। अगर वो डेविएशन किसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से आया है तो वी विल इवैल्यूएट इट एंड वी हैव टू चेंज द स्टैंडर्ड अकॉर्डिंगली। इससे ऑर्गेनाइजेशन में जो कंट्रोल है कॉस्ट का वो बना रहता है। सो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग आर कंट्रोल एंड रिड्यूस कॉस्ट। कॉस्ट अकाउंटिंग में वी कंटिन्यूअसली फोकस कि कॉस्ट पर यूनिट कितना है सो दैट कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बनी रहे और क्वालिटी भी मेंटेन्ड रहे। वी डिटरमिन सेलिंग प्राइस। अब कॉस्ट शीट में हमने प्रॉपर अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके टोटल कॉस्ट में हमने ऐड किया सो दैट वी कैन कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस। असिस्ट मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। जो भी रिपोर्ट्स और कॉस्ट शीट हम बनाते हैं उससे डिसीजंस मैनेजर्स ले सकते हैं। असर्टेन क्लोजिंग इन्वेंट्री, वी कैन डिटरमिन कि कितनी क्लोजिंग इन्वेंट्री रह गई है एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। इंश्योर प्रॉफिट फ्रॉम ईच एक्टिविटी। कॉस्ट अकाउंटिंग कैन रिव्यू कि क्या क्या कॉस्ट इंक्लूड हुई है हर एक्टिविटी से, तो देयरफॉर एक कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि हर एक्टिविटी पे वी कैन अचीव अ प्रॉफिटेबिलिटी। देन वी हैव अ बजटिंग बेस्ड ऑन पास्ट कॉस्ट। हम एक एस्टिमेटेड कॉस्ट निकाल देते हैं जिसको जो हमें हेल्प करता है बजट में एंड वी कैन एक्चुअली कंट्रोल आवर कॉस्ट। वी कैन सेट स्टैंडर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ दैट एस्टिमेटेड कॉस्ट विच कैन सेट अ टूल फॉर द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। वी कैन कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव बिजनेस एक्सपेंशन भी है बिकॉज हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट करते हैं एट डिफरेंट स्टेजेस, तो जो मैनेजमेंट है दे कैन प्लान फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस। कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू वी कैन अचीव कॉस्ट कंट्रोल एंड रिडक्शन, सो इट इज हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग द वेस्टेज ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। इट इम्प्रूव एफिशियंसी बिकॉज वेस्टेज कम है तो ओवरऑल प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग जो है वो एफिशियंटली हो सकती है। Another topic is elements of cost accounting. अगर हम एक particular product की cost निकालते हैं तो उसमें क्या क्या include हम करेंगे कि जैसे उसकी cost निकल जाए। Elements can be linked to material, labor and expenses. Now these can be directly included or indirectly included. Materials can be direct or indirect, labor can be direct or indirect and in a similar way expenses can be direct and indirect. If I will add up all the direct thing like direct materials, direct labor, direct expenses, this is known as prime cost. And if I add all the indirect things like indirect material, indirect labor, indirect expenses, these are known as overheads. Let's understand these one by one. Let's start with direct material cost. वो कॉस्ट जो कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अ क्लोथ इन ड्रेस, अ ब्रिक इन बिल्डिंग अ हाउस, मतलब जो उस प्रोडक्ट या उस सर्विस के साथ ही एसोसिएटेड है, दैट इज अ डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल्स आर दोज मटेरियल्स विच कैन बी आइडेंटिफाइड इन द प्रोडक्ट एंड कैन बी कन्वीनियंटली मेजर्ड एंड डायरेक्टली चार्ज टू दैट प्रोडक्ट। वो कॉस्ट जो कि प्रोडक्ट पे डायरेक्टली हम चार्ज कर सकते हैं, जो कि डायरेक्टली फाइनल प्रोडक्ट पे एंटर हो सकती है, दैट इज नोन एज डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। एंड इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आर दोज जो कि डायरेक्टली एक पर्टिकुलर कॉस्ट ऑब्जेक्ट में हम लिंक नहीं कर सकते। ये फिनिश प्रोडक्ट का पार्ट नहीं होते बट
इसको एलोकेट हम कर सकते हैं क्योंकि इसको पर्टिकुलर कॉल सेंटर ने यूज किया होता है। ये क्या हो सकते हैं? स्टोर्स यूज्ड इन मेंटेनेंस लाइक लुब्रिकेंट्स, कॉटन वेस्ट। स्टोर्स यूज्ड बाय सर्विस डिपार्टमेंट्स लाइक पावर हाउस, बॉयलर हाउस, कैंटीन एटसेट्रा। मटेरियल्स व्हिच ड्यू टू देयर कॉस्ट आर बीइंग सो स्मॉल लाइक नेल्स, लाइक फेविकोल समथिंग, जो कि यूज हुई है बट इट कैन नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट, जो कि वो बहुत छोटी सी चीज है जो कि बल्क में हम ऑर्डर करते हैं और उसका सिर्फ छोटा सा पार्ट ही लग सकता है। तो दीज आर द इनडायरेक्ट मटीरियल कॉस्ट। नेक्स्ट इज डायरेक्ट लेबर। अब डायरेक्ट लेबर वो है जो डायरेक्टली प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, जो जिनका काम है रॉ मटेरियल्स को प्रोसेस करके फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना। तो जो उनकी वेजेस होती हैं उसको हम कहते हैं डायरेक्ट वेजेस और उसको हम कहते हैं डायरेक्ट लेबर। लेबर एंगेज्ड ऑन द एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट और इन कैरिंग आउट ऑफ ऑपरेशन और द प्रोसेस, वो लेबर जो कि एक्चुअली में प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। लेबर एंगेज्ड इन एडिंग द मैन्युफैक्चर बाय वे ऑफ सुपरविजन, मेंटेनेंस, टूल सेटिंग, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटीरियल, इंस्पेक्टर एंड एनालिस्ट, दे आर रिक्वायर्ड फॉर सच प्रोडक्शन। तो उस केस में ये वाले लोग भी इंक्लूडेड होंगे। अगर प्रोडक्शन में सुपरवाइजर्स भी इम्पॉर्टेंट है तो उस केस में सुपरवाइजर्स भी डायरेक्टली इन्वॉल्व होंगे और उन्हें हम कहेंगे डायरेक्ट लेबर। बट इनडायरेक्ट लेबर आर दोस्त जो कि कंपनी में काम कर रहे हैं बट उनका लिंक डायरेक्टली प्रोडक्शन प्रोसेस में नहीं है। दे आर सुपरवाइजर्स, मेंटेनेंस वर्कर्स, मैन एम्प्लॉयड इन सर्विस डिपार्टमेंट्स, मैनेजर्स एंड ऑल, मटीरियल हैंडलिंग एंड इंटरनल ट्रांसपोर्ट, ट्रेनीज, इंस्ट्रक्टर्स, क्लरिकल स्टाफ एंड लेबर एम्प्लॉयड इन टाइम ऑफिस एंड सिक्योरिटी ऑफिस। ये प्रोडक्शन प्रोसेस में नहीं है बट स्टिल ये कंपनी का पार्ट है। ये सर्विस डिपार्टमेंट में आप कह सकते हो सर्विस डिपार्टमेंट में है ये, बट इनकी भी तो कॉस्ट है। अगर इनके ऊपर भी तो कॉस्ट लगी है और इनके ऊपर कॉस्ट क्यों लगी है? बिकॉज दैट्स द पार्ट ऑफ दैट प्रोडक्ट। हम उस प्रोडक्शन में है तो वी हैव टू अपोर्शन देयर कॉस्ट इन दैट प्रोडक्ट। सो दीज आर नोन एज द इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अनदर वन इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो एक्सपेंसेस जो डायरेक्टली प्रोडक्शन में इंक्लूड हुए हैं, जैसे कि एक्साइज ड्यूटी, रॉयल्टी, सुपरवाइजर फीस, कोई डिफेक्टिव वर्क को हमने रेक्टिफाई करा है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेरिमेंटल एक्सपेंसेस, हायर ऑफ स्पेशल इक्विपमेंट ऑब्टेन फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए हमने एक स्पेशल इक्विपमेंट को हायर करा है। अगर हायर या लीज है वो तो डायरेक्ट होगा, लेकिन अगर डेप्रिसिएशन है तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा, बिकॉज डेप्रिसिएशन हम एक मशीनरी पे लगाते हैं और मशीनरी कैन बी यूज फॉर एनी प्रोडक्ट। लेकिन जब हम एक पर्टिकुलर मशीनरी हायर पे लेते हैं एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट यूज करने के लिए, तो फिर वो होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। बट अगर डेप्रिसिएशन है तो वी विल एड इन टू द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। वो सारे एक्सपेंसेस जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है प्रोडक्शन में, वो क्या होंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब जितने भी डायरेक्ट मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस अगर कंबाइन अगर हम करते हैं तो हम प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, बट जितने भी हम इनडायरेक्ट लेबर, मटेरियल्स और कॉस्ट अगर हम ऐड करते हैं तो वो बन जाते हैं ओवरहेड्स। अब ओवरहेड्स को भी हम थ्री पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ओवरहेड्स फर्स्ट इज फैक्ट्री ओवरहेड्स, देन वी हैव ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, देन वी हैव सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। एंड इन दिस, अगर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो उसमें इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे। ऐसे ही ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। लेट्स अंडरस्टैंड द एग्जाम्पल्स कि क्या 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 चीजें फैक्ट्री में आती हैं, क्या चीजें ऑफिस में आती हैं और क्या चीजें सेलिंग में आती हैं। लेट्स स्टार्ट फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स वो है जब ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इनकर हुआ है। ये डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट मटेरियल नहीं है, लेकिन डायरेक्टली ना होने के बावजूद भी ये प्रोडक्शन से रिलेटेड है, तो ये होगा फैक्ट्री ओवरहेड्स। इनडायरेक्ट मटेरियल कौन से होते हैं? कंज्यूमेबल स्टोर्स, जैसे कि कॉटन वेस्ट, लुब्रिकेटिंग ऑयल, ब्रशेस, ये सब यूज हुए हैं प्रोडक्शन में बट डायरेक्टली हमने इसको इंक्लूड नहीं करा।
लेकिन हम इसको इनडायरेक्टली इंक्लूड करेंगे और किस में करेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड्स में। कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी यूज इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में स्टेशनरी यूज हुआ है उसे हम किस में इंक्लूड करेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड्स में। ऐसे ही इनडायरेक्ट लेबर कौन है, सैलरी पेड टू वर्क्स मैनेजर एंड अदर प्रिंसिपल ऑफिसर्स जो कि फैक्ट्री में है, पे फॉर हॉलीडे एंड सिक लीव, सैलरीज फॉर स्टोर कीपर्स, कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड ऑफ फैक्ट्री एम्प्लॉयज, सैलरी पेड टू सुपरवाइजर एंड क्लरिकल स्टाफ ऑफ द फैक्ट्री, ओवर टाइम वेजेस और वेजेस फॉर नॉर्मल आइडल टाइम इफ नॉट डायरेक्टली चार्ज। जो भी फैक्ट्री से, जो प्रोडक्शन से लिंक्ड है, जो भी लेबर, लेट सपोज अगर कोई वर्कर है, वो काम कर रहा है, प्रोडक्शन प्रोसेस में है, तो दैट विल बी अ पार्ट ऑफ डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट लेबर। बट देयर इज अ पर्सन, अ फोरमैन और अ सुपरवाइजर जो सिर्फ तो सुपरवाइज कर रहे हैं, वो प्रोडक्शन प्रोसेस में इंक्लूडेड नहीं है, तो दैट विल बी अ पार्ट ऑफ इनडायरेक्ट लेबर। देन वी हैव इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लाइक रेंट ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, इंश्योरेंस ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, म्यूनिसिपल टैक्सेस ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, फैक्ट्री की कैंटीन, वेलफेयर एक्सपेंसेस, जो एक्सपेरिमेंट और रिसर्च किया गया है प्रोडक्शन से लिंक्ड, पावर एंड फ्यूल, जो पावर एंड फ्यूल फैक्ट्री में यूज होगा मशीन्स को ऑपरेट करने के लिए, सो देयरफॉर इट इज अ पार्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स। स्टोर एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सैलरीज ऑफ स्टोर कीपर्स एंड अदर एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग न्यू एम्प्लॉयज, न्यू वर्कर्स, लाइटनिंग एंड हीटिंग चार्जेस ऑफ द फैक्ट्री, कैरेज इनवर्ड, जब सामान आता है मटीरियल को खरीदने पे और वो मटीरियल के साथ डायरेक्टली इंक्लूड हम नहीं कर सकते, तो वो वाला कैरेज इनवर्ड, फैक्ट्री के टेलीफोन एक्सपेंसेस। जो भी फैक्ट्री से लिंक्ड एक्सपेंसेस होंगे वो होगा फैक्ट्री ओवरहेड्स के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। नेक्स्ट इज ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, इन दिस दोज कॉस्ट विल बी इंक्लूडेड जिसका प्रोडक्शन, सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन से कोई रिलेशन नहीं है। तो ये कौन सी कॉस्ट है, दीज आर द कॉस्ट ऑफ फॉर्मुलेटिंग द पॉलिसी, डायरेक्टिंग द ऑर्गेनाइजेशन, controlling the operations of an undertaking which are linked with office and controlling the operations of a business. Now in indirect material, material mein kya kya aa sakta hai, printing and stationery jo ki office mein use hua hai, jo ki office mein cleaning ke liye dusters aur brushes use hue hain, indirect labor mein salaries aur allowances डायरेक्टर्स की आ सकती है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स की आ सकती है, फाइनेंशियल अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट और जो उनके स्टाफ सेक्रेटरी हैं उनकी सैलरी और अलाउंसेस कवर हो सकती है, और सैलरी और अलाउंसेस लीगल एडवाइजर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स, इंटरनल ऑडिटर्स, जो उनको हम रेमुनरेशन देते हैं, इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जो ऑफिस से लिंक्ड एक्सपेंसेस होंगे, जैसे कि ऑफिस के रेंट, रेट्स, इंश्योरेंस, ऑफिस लाइटिंग, हीटिंग एंड क्लीनिंग, डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस बिल्डिंग, ऑफिस फर्नीचर एंड फिटिंग्स, लीगल चार्जेस, बैंक चार्जेस, सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंसेस। एट लास्ट वी हैव सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। सेलिंग मतलब वो पार्ट जब जहाँ पे हम कॉस्ट इनकर कर रहे हैं टू प्रमोट आवर सेल्स, जिसमें हम कस्टमर्स तक अपना प्रोडक्ट पहुंचाते हैं, इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं अपने प्रोडक्ट की कि यस दिस प्रोडक्ट इज अवेलेबल, या फिर कस्टमर को रिटेन करते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जब एक्चुअली में फिजिकली डिलीवरी जब हम कस्टमर तक पहुंचाते हैं। तो सेलिंग में क्या होगा, कॉस्ट इनकर्ड इन प्रमोटिंग सेल्स एंड रिटेनिंग कस्टमर्स, और डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, द प्रोसेस विच बिगिंस विद मेकिंग द पैक्ड प्रोडक्ट अवेलेबल फॉर डिस्पैच, जब उन तक वो प्रोडक्ट पहुंच जाता है। तो सेलिंग ओवरहेड्स में इनडायरेक्ट मटेरियल्स कौन से होंगे, कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग, स्टेशनरी, मेलिंग लिटरेचर्स, कैटलॉग, प्राइस लिस्ट। लेबर में सैलरीज, कमीशन ऑफ सेल्समैन, टेक्निकल रिप्रेजेंटेटिव, सेल मैनेजर एटसेट्रा। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, शोरूम के एक्सपेंसेस, कलेक्शन चार्जेस, ट्रैवलिंग एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस ऑफ ब्रांच एस्टेब्लिशमेंट, सेल्स ऑफिस एक्सपेंसेस, fees of directors who pay attention to sales. And in distribution, indirect material will be like packaging cost, oil, grease, spare parts, use in maintenance of delivery vehicles. Indirect labor may packers, van drivers, dispatch clerks. Indirect expenses, rent insurance, freight carriage outwards,
और अदर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, जिसमें हम डिलीवरी वैन्स के रनिंग एक्सपेंसेस और डेप्रिसिएशन इंक्लूड करते हैं। सो सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में यही फर्क है। जब सेलिंग है, इट स्टार्ट्स विद जब हम कस्टमर को अपना प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं, और जब एक बार ही आपको ऑर्डर मिल जाता है तो डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट स्टार्ट होगा, जहाँ पे गुड्स को एक्चुअली डिस्पैच किया जाता है और कस्टमर तक पहुँचाया जाता है। सो दीज कॉस्ट हैव नो लिंक विद द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। नाउ विद दीज एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, हम कॉस्ट शीट प्रिपेयर कर सकते हैं। हम कॉस्ट शीट क्यों बनाते हैं? सो दैट वी कैन कैलकुलेट आर सेलिंग प्राइस। अपने प्रॉफिट मार्जिन को ऐड करने के बाद हम अपना सेलिंग प्राइस कैलकुलेट कर सकें कि हमें कितने प्राइस पे यूनिट्स को सेल करना चाहिए। सो हाउ वी कैलकुलेट, वी स्टार्ट विथ डायरेक्ट मटीरियल परचेज्ड, मतलब हमने पहले परचेजेस देखेंगे, उसमें ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटीरियल, देन वी विल सब्ट्रैक्ट क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटीरियल। तो जितना हमने इस साल में मटीरियल कंज्यूम करा है हमारे पास वो आ जाएगा, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा। अब उसमें हम ऐड करेंगे डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वी विल गेट प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के बाद हम ओवरहेड्स ऐड करते हैं। वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स में जो भी उसके इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, वो ऐड करके उसमें से वी विल सब्ट्रैक्ट सेल ऑफ स्क्रैप। अगर कोई स्क्रैप हमने बेचा है और उससे हमें कुछ इनकम मिली है, तो वो वाला जो अमाउंट है वो हमें इसमें से माइनस करना होगा, क्योंकि वो कॉस्ट नहीं है, वो हमने कॉस्ट रिकवर हो चुकी है। उसमें हम ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस और सब्ट्रैक्ट करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस वो होते हैं जो कि अभी ना तो रॉ मटेरियल है ना ही फिनिश प्रोडक्ट है, दे आर पार्शियली प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट, मतलब जिनको एक्चुअली में अभी पूरा कंप्लीट फिनिश प्रोडक्ट हम नहीं कह सकते। तो जो उसका ओपनिंग स्टॉक है वो हम ऐड करके क्लोजिंग स्टॉक को लेस करके वी विल कैलकुलेट द वर्क कॉस्ट। अब आपके पास वर्क कॉस्ट आ जाती है, इसको हम फैक्ट्री कॉस्ट भी कहते हैं। उसमें हम ऐड करेंगे ऑफिस ओवरहेड्स, देन वी विल गेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में वी विल ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, वी विल सब्ट्रैक्ट क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, वी विल गेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सोल्ड। Now in this we will add selling and distribution overheads, we will get total sales or cost of goods sold, and in this we will add our profit margin. Profit margin ko add karne ke baad we will get the selling price jo hame actually mein market mein dena hai, because hame pata hai itni cost hai, itni cost ke baad itna hum profit agar hame add itna chahiye to hame itne mein market mein ye bechna padega. So in your exam the questions can be asked like how you calculate the works cost. तो works cost आप कैसे calculate करोगे जब आप prime cost में factory overheads add करोगे, या फिर opening stock of work in progress add करोगे, less closing stock of work in progress, you will get the work cost. Next topic is responsibility centers. Now responsibility center is a function entity within a business which are formed with their own purpose. They have their own goals and objectives. They have dedicated staff, policies and procedures and financial reports. So responsibility centers hain, wo ek particular responsibility ke liye hi form hote hain ek business ke andar. Unke apne hi goals, objectives honge. They have their own dedicated staff. Their managers are given with specific responsibilities, aur wo responsibilities ho sakti hain maybe for revenue generation, for expenses incurred, or for funds invested. So there are four types of responsibility center in any business: cost center, revenue center, profit center and investment center. Cost center means जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर्स सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, मतलब दे हैव नो लिंक फॉर द रेवेन्यूज, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ कॉस्ट में ही रिस्ट्रिक्टेड है। अब उनका परफॉर्मेंस इवेल्युएशन कैसे होगा? जो भी उनको बजटेड कॉस्ट दिया गया है और जो उनकी एक्चुअल में कॉस्ट इनकर हुई है, उससे वो अपने वेरिएंस को कैलकुलेट करके एंड फिर अकाउंट करेंगे दैट वेयर दे वर लैकिंग। जो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो प्रोडक्शन और सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं, दे कैन क्लासिफाई एज द कॉस्ट सेंटर्स बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल जस्ट फॉर इनकरिंग ऑफ कॉस्ट। प्रोडक्शन में सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट ही लगती है, वहाँ पे कुछ भी रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा। तो उन्हें एक बजट दे दिया जाता है कि आपको इस साल सिर्फ इतना कॉस्ट इनकर करना है, तो अगर उससे ज्यादा कॉस्ट इनकर होता है तो दे आर अकाउंटेबल कि इससे ज्यादा कॉस्ट इनकर क्यों हुआ है। नेक्स्ट इज रेवेन्यू सेंटर। रेवेन्यू सेंटर में
सिर्फ और सिर्फ दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल्स रेवेन्यू। अब इस केस में दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉस्ट, दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनी इन्वेस्टमेंट इन द एसेट्स, बट दे हैव कंट्रोल, दे हैव सम कंट्रोल ओवर द एक्सपेंसेस ऑन द मार्केटिंग डिपार्टमेंट। मतलब रेवेन्यू तभी जनरेट होगा जब प्रमोशनल एक्टिविटीज होंगी, थोड़ा सा कंट्रोल उनका एक्सपेंसेस में होगा जो कि मार्केटिंग से लिंक्ड है, इसके अलावा उनका कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू से होगा। नाउ देयर परफॉर्मेंस विल बी इवैल्यूएटेड इन द सेम मैनर कि जो भी उनके बजटेड मार्केटिंग एक्सपेंसेस हैं, अगर हम उनको एक्चुअल से कंपेयर करेंगे या फिर बजटेड रेवेन्यू को हम एक्चुअल रेवेन्यू से कंपेयर करेंगे तो दे विल गेट टू नो वेयर दे स्टैंड। फॉर एग्जाम्पल द मार्केटिंग मैनेजर ऑफ प्रोडक्ट लाइन, इंडिविजुअल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रेवेन्यू सेंटर्स हु आर रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर रेवेन्यू। अनदर वन इज प्रॉफिट सेंटर। अब प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। तो प्रॉफिट सेंटर के मैनेजर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे दोनों के लिए, कॉस्ट के लिए भी और रेवेन्यूज के लिए भी। बट इनके मैनेजर्स इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं रिस्पॉन्सिबल होंगे, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ कॉस्ट एंड रेवेन्यू। अब इनका परफॉर्मेंस कैसे इवैल्यूएट होगा, दैट वेदर द सेंटर हैज अचीव इट्स बजटेड प्रॉफिट और नॉट। नाउ द डिविजन ऑफ कंपनी विच प्रोड्यूसर्स एंड मार्केट्स द प्रोडक्ट मे बी कॉल्ड अ प्रॉफिट सेंटर। जिसका प्रोडक्शन का काम भी है, जो मार्केटिंग भी कर रही है और जो सेल भी कर रहा है, दैट इज द डिविजन जो कि एग्जाम्पल है फॉर द प्रॉफिट सेंटर। सच अ डिविजनल मैनेजर डिटरमिन्स द सेलिंग प्राइस। वो ही डिविजनल मैनेजर सेलिंग प्राइस डिटरमिन करेगा मार्केटिंग प्रोग्राम्स और पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करके। ही विल सेट अ टारगेट दैट ही हैज टू अर्न दैट प्रॉफिट। एंड द लास्ट वन इज द इन्वेस्टमेंट सेंटर। नाउ इन्वेस्टमेंट सेंटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ profits as well as investment. He has control over revenues, expenses and amount invested in the center. उसके पास ये भी authority है कि वो credit policy को formulate कर सके कि कितना debt collection, क्या inventory policy है firm के अंदर, क्या adopt होनी चाहिए। Now let's start with last and very important topic, that is classification of cost. We can classify cost on 7 bases. First, by nature, relation to cost center, functions, behavior, management decision making, production process and time. Let's discuss these classification one by one. First is by nature. So by nature, this means by elements, that is material, labor and other expenses. As we have discussed already, that material means the cost of raw materials. एंड सारी जो कॉस्ट डायरेक्टली उससे रिलेटेड है, जैसे कि टैक्सेस, इंश्योरेंस, फ्रेट इनवर्ड्स, प्रोक्योरमेंट कॉस्ट एटसेट्रा। देन वी हैव अ लेबर। लेबर मीन्स सैलरी एंड वेजेस। अगर वेजेस है तो वो जाएगी प्राइम कॉस्ट में, और अगर सैलरी है वो जाएगा ऑफिस ओवरहेड्स में, और अगर सेलिंग कमीशन है तो वो जाएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। सो इट इंक्लूड्स पीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन, बोनस, कमीशन, इंसेंटिव, अलाउंसेस, ओवरटाइम पे एटसेट्रा। Then we have other expenses. Other expenses are the overheads which exclude material and labor, which comes like packaging, promotion, job processing charges, etc. Another is by cost center. This means the cost can be classified in two ways, that is direct and indirect. Direct cost, जिसको add करके हम prime cost निकालते थे, that means direct material, direct labor and direct expenses. तो ऑल द कॉस्ट विच आर डायरेक्टली एसोसिएटेड, जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस से डायरेक्टली एसोसिएटेड है, दैट इज अ डायरेक्ट कॉस्ट। एंड एनी अदर कॉस्ट एक्सेप्ट डायरेक्ट इज इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, फैक्ट्री एंड सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सो इट विल बी इनडायरेक्ट मटीरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस। Another one is classification by functions. In functions, we will classify as production. Production, जहाँ पे inputs process होकर output के form में convert हो जाएंगे। तो इसके अंदर direct और indirect expenses जब production में incur हुए हैं, हम वो add करते हैं। Then we have an administration. In administration, the management activities are included, like electricity, stationery, telephone expenses, rent, etc. These are known as office and administrative overheads. Then we have selling. In selling, all the indirect costs
लिंक्ड टू सेल्स फंक्शन, जैसे कि एडवर्टीजमेंट, प्रमोशन, रिसर्च, कस्टमर सर्विसेज एटसेट्रा. देन वी हैव डिस्ट्रीब्यूशन. इन डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट लाइक अ ट्रांसपोर्टेशन, जो हमारी कॉस्ट लगती है गुड्स को कस्टमर तक पहुंचाने में, दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन. इन सेलिंग इट मीन्स कस्टमर्स तक ये पहुंचने में कि हाँ ये प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है. बट डिस्ट्रीब्यूशन दैट मीन्स कस्टमर तक प्रॉपरली पहुंचाने में जो कॉस्ट लगती है, दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन. देन अनदर वन इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट. इन दिस इफ देयर इज एनी प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन और न्यू प्रोडक्ट हैज लॉन्च्ड, तो उसकी जो रिलेटेड कॉस्ट लगती है, दैट इज द रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, बिकॉज इसमें कॉस्ट लगती है हमारी रिसर्च के ऊपर, फाइंडिंग्स के ऊपर एंड एटसेट्रा. देन कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय बिहेवियर. इन दिस वी हैव फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट. फिक्स्ड कॉस्ट जैसे कि रेंट, प्रोडक्शन हो चाहे ना हो हमें पेमेंट करनी है. फिक्स्ड कॉस्ट क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन के बिल्कुल ही कॉन्स्टेंट रहता है, ये चेंज नहीं होगा. अगर आपने प्रोडक्शन जीरो करी है तब भी फिक्स कॉस्ट आपकी जितनी आपने लगाई है उतनी लगेगी. अगर आपने मैक्सिमम करी है तब भी फिक्स कॉस्ट आपकी उतनी लगेगी. जैसे रेंट है, लीज और मॉर्टगेज है, ये आपको देना ही देना है, चाहे आपकी प्रोडक्शन चल रही है या फिर नहीं चल रही. सो इंक्रीज और डिक्रीज इन प्रोडक्शन वुड कॉज नो चेंज इन दीज कॉस्ट. अनदर वन इज वेरिएबल कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट में कंपनीज लेवल ऑफ प्रोडक्शन बहुत मैटर करता है. जैसे लेवल ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होगा ये कॉस्ट भी इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगा तो ये कॉस्ट भी डिक्रीज हो जाएगी. जैसे कि रॉ मटेरियल, अगर प्रोडक्शन प्रोसेस है तभी तो रॉ मटेरियल कॉस्ट लगेगा, बिकॉज जितना प्रोडक्शन, जितना लेवल ऑफ एक्टिविटी है उतना ही आपका रॉ मटेरियल ऐड होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा. देन वी हैव अ सेमी वेरिएबल कॉस्ट. सेमी वेरिएबल कॉस्ट आर लाइक विच आर पार्शली फिक्स्ड एंड पार्शली वेरिएबल. ये कॉस्ट लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे डिपेंड नहीं करती, बट प्रोडक्शन फैसिलिटीज से थोड़ी सी चेंज हो सकती है. जैसे कि डेप्रिसिएशन है, एक एसेट पे डेप्रिसिएशन फिक्स्ड है, बट अगर आप दूसरी एसेट ले लेते हो तो डेप्रिसिएशन बढ़ जाएगा. अप टू सम लेवल इट इज फिक्स्ड, बट द मूवमेंट आपने दूसरी एसेट को एंटर करा तो डेप्रिसिएशन विल इंक्रीज. सेमी वेरिएबल कॉस्ट आर ऑल्सो नोन एज स्टेप कॉस्ट. Now you can see in the diagram, up to certain level of production it is constant, then it will increase, then it will be constant, then it will increase, it will be constant. Step variable costs are like, it is constant at some level of activity, but after that it will increase once it is crossed. Ek bari yahan se cross kar gaya, to wo increase ho jayega, fir wo constant rahega. फिर यहाँ से इंक्रीज हो गया तो वो इंक्रीज हो जाएगा एंड देन फिर कॉन्स्टेंट रहेगा. अप टू सर्टेन लेवल ऑफ प्रोडक्शन इट विल बी कॉन्स्टेंट एंड आफ्टर दैट इट विल इंक्रीज. अनदर क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग. मतलब वो कॉस्ट जो मैनेजर्स को डिसीजन लेने में हेल्प करती है. फॉर एग्जाम्पल मार्जिनल कॉस्ट. मार्जिनल कॉस्ट मतलब एक और यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए कितना कॉस्ट में इंक्रीज होगा. मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ प्रोडक्ट. ये हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? टोटल कॉस्ट फॉर एन नंबर ऑफ यूनिट्स माइनस टोटल कॉस्ट फॉर एन माइनस वन नंबर ऑफ यूनिट्स. मतलब टोटल कॉस्ट जब 10 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रही थी तब कितनी थी, माइनस टोटल कॉस्ट जब हम 9 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे तब कितनी है. तो टीसी 10 माइनस टीसी 9 आपके पास आ जाएगा कि 10th यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए हमारी कॉस्ट कितनी बढ़ी, दैट इज द मार्जिनल कॉस्ट. देन वी हैव अ डिफरेंशियल कॉस्ट. मार्जिनल कॉस्ट डिटरमिन करता है वन यूनिट को, लेकिन अगर बल्क ऑर्डर हो, बल्क में प्रोडक्शन हो, तब हम चेक करते हैं डिफरेंशियल कॉस्ट. इस केसेस में हम देखते हैं लेवल ऑफ एक्टिविटी. अगर हमें एक लेवल ऑफ एक्टिविटी से दूसरे लेवल ऑफ एक्टिविटी में पहुंचना है तो हम ये चेक करेंगे कितना ज्यादा कॉस्ट कंपनी को लगेगा, और फिर हम चेक करते हैं कितना बेनिफिट मिल रहा है या नहीं. जितनी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है उतना रेवेन्यू मिल भी रहा है या फिर नहीं मिल रहा, तो वी यूज डिफरेंशियल कॉस्ट. अगर सिंगल यूनिट है तो वी यूज मार्जिनल कॉस्ट, अगर बल्क है तो वी विल यूज डिफरेंशियल कॉस्ट. अनदर वन इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. नाउ
देयर आर सो मेनी ऑल्टरनेटिव्स गिवन बट मैनेजमेंट हैज टू टेक वन डिसीजन। जैसे फॉर एग्जाम्पल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी होती हैं, एक पर्टिकुलर फंड को हम काफी जगहों पे इन्वेस्ट कर सकते हैं बट वी कैन नॉट इन्वेस्ट इन ऑल, वी हैव टू चूज वन। सो जब हम एक डिसीजन लेते हैं कि येस आई एम चूजिंग दिस, आई हैव टू गिव अप समथिंग एल्स, हमें कोई एक चीज छोड़नी पड़ती है। मतलब अगर हमारे पास टू अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है तो हम एक ही ले सकते हैं और एक को हमें छोड़ना पड़ेगा। जो हमने छोड़ा उससे जो बेनिफिट हमें मिलना था, दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब इट इज द बेनिफिट ऑफ एन ऑल्टरनेटिव गिवन अप जो हमने छोड़ा व्हेन वन डिसीजन इज मेड ओवर अनदर। दिस कॉस्ट इज देयरफॉर रेलेवेंट बिकॉज टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में से हमें एक चूज करना है, तो हमें ये देखना होगा कि जिसकी रिटर्न ज्यादा है हम वो चूज करें और जो हमने छोड़ा है वो भी हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन सकती है। अगर हम उसको ना छोड़ते, हम वो मिल जाता, तो क्या इतना रेलेवेंट है जो हमने डिसीजन लिया कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को वो पूरा कर सकता है? सो दैट मीन्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नेक्स्ट इज रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज द कॉस्ट जब हम कोई बिजनेस एसेट्स को रिप्लेस करते हैं। अब कोई भी मशीनरी या कोई एसेट अगर पुरानी हो जाती, ऑब्सोलीट हो जाती है, तो उसमें बहुत ज्यादा मेंटेनेंस कॉस्ट इनकर होता है, तो मैनेजर्स कैन डिसाइड कि उसको रिप्लेस कर दिया जाए। अब रिप्लेस करने की जो कॉस्ट होगी, मतलब बिल्कुल चेंज करने के लिए उसका सब्सिट्यूट एसेट मार्केट से नया खरीदना, इज द रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तो मैनेजमेंट विल डिसाइड कि अगर रिप्लेसमेंट कॉस्ट अगर कम है और रिपेयर ज्यादा होती है हर साल, तो इट्स बेटर टू बाय। सो दैट्स व्हाई रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज कैलकुलेटेड, सो दैट मैनेजमेंट डिसाइड कर सके वेदर टू रिप्लेस और टू रिपेयर। अनदर वन इज संक कॉस्ट। संक कॉस्ट मतलब हिस्टोरिकल कॉस्ट जो ऑलरेडी इनकर हो चुकी है और जिसको हम अब रिवर्स नहीं कर सकते, अब वो मैनेजमेंट ने इनकर कर लिया। ये वो कॉस्ट है जो कि आप रिकवर नहीं कर सकते। फ्यूचर बिजनेस डिसीजंस के लिए ये हेल्प नहीं करता, बट करंट के लिए ये हेल्प कर सकता है। फ्यूचर डिसीजन मेकिंग में इसका कुछ नहीं है, बिकॉज दीज कॉस्ट आर नॉन रिकवरेबल। ये आप रिकवर कर ही नहीं सकते। दीज कॉस्ट आर हिस्टोरिकल इन नेचर। देन वी हैव अ नॉर्मल कॉस्ट। दीज आर कॉल्ड एज रूटीन कॉस्ट, जो कि मैन्युफैक्चरिंग से कंसर्न होता है, जिसका फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट एक्सपेंसेस सच एज सैलरी, मटेरियल एंड रेंट। नेक्स्ट इज एबनॉर्मल कॉस्ट। ये आपकी रूटीन नेचर में नहीं होते, जैसे कि लॉस बाय फायर, थेफ्ट, रॉबरी, वर्कर स्ट्राइक पे चले गए, तो जो इससे लिंक्ड कॉस्ट है वो आपके नॉर्मल रूटीन एक्टिविटीज में नहीं होता, सो देयरफॉर इट इज एबनॉर्मल कॉस्ट। देन वी हैव अ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, दैट इज कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल। कंट्रोलेबल कॉस्ट वो है जो कि मैनेजमेंट अपने तरफ से कंट्रोल कर सकती है, जो कि मैनेजमेंट के पास पावर है टू कंट्रोल इट, जिसका डिसीजन मैनेजमेंट ही लेती है। एग्जांपल्स लाइक एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय बोनस, ये सब, इसमें मैनेजमेंट का कंट्रोल है। बट अनकंट्रोलेबल कॉस्ट आर दोस जिसका मैनेजमेंट के पास कोई पावर नहीं है, लाइक लॉस बाय फायर, इन्फ्लेशन इन द मार्केट। अब मार्केट में इन्फ्लेशन है तो रॉ मटेरियल्स ज्यादा प्राइस पे ही मिलेंगे, मैनेजमेंट हैज नो पावर टू डिक्रीज इट, सो दैट विल बी द अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। नेक्स्ट इज अवॉइडेबल कॉस्ट एंड अनअवॉइडेबल कॉस्ट। अवॉइडेबल कॉस्ट आर दोस जो कि मैनेजमेंट चाह कर उसे रोक सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर टेक्नोलॉजी अपग्रेड करना है, अगर काम चल रहा है तो वो उस अपग्रेडेशन को रोक सकते हैं। लेकिन अनअवॉइडेबल मतलब जो कि मैनेजर उसे अवॉइड ही नहीं कर सकता, लाइक टैक्सेस ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का टैक्स तो पे करना ही पड़ेगा, मैनेजर कांट अवॉइड इट, सो सच कॉस्ट आर अनअवॉइडेबल कॉस्ट। नेक्स्ट इज कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय टाइम। अब बाय टाइम मींस जो हिस्टोरिकल कॉस्ट है या जो आप पहले ही डिटरमिन कर लोगे। हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब आपने खर्चा कर लिया और फिर आप उसे इवैल्यूएट कर रहे हो, दैट इज द हिस्टोरिकल कॉस्ट। इट कैन बी कमिटेड ईदर ऑन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स
और एसेट एक्विजिशन, जब आप प्रोडक्शन कर लेते हो, जब एसेट को एक्वायर कर लेते हो तभी आप उसे इवैल्यूएट करोगे। ऑपोजिट टू इट इज प्री डिटरमिन्ड कॉस्ट, जो कि हम आइडेंटिफाई और कैलकुलेट कर सकते हैं बिफोर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो इट कैन बी ईदर स्टैंडर्ड और एस्टिमेटेड। प्री डिटरमिन्ड कॉस्ट या तो स्टैंडर्ड हो सकता है या फिर एस्टिमेटेड हो सकता है। स्टैंडर्ड कॉस्ट मतलब एक प्रॉपर नॉर्म्स एंड गाइडलाइंस के बाद एक स्टैंडर्ड कॉस्ट फिक्स कर दिया गया है कि यस इट शुड बी द कॉस्ट। अगर इसके ऊपर कुछ है तो दैट विल बी नॉट अ नॉर्मल लॉस, दैट विल बी समथिंग एबनॉर्मली डन इन द कंपनी। सो एक स्टैंडर्ड फिक्स के, एक स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही जो वर्क है वो आगे चलता है। अनदर वन इज एस्टिमेटेड, इसमें कोई पर्टिकुलर नॉर्म्स एंड गाइडलाइंस के साथ नहीं होता बल्कि एक एक्सपीरियंस के साथ एक कॉस्ट को एस्टिमेट किया जाता है दैट इट कैन बी द एक्सपेंसेस। अब ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, बट ये बेसिकली कंप्लीट अजम्पशन है कि हाँ ये होगा। लेकिन जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है वो प्रॉपर नॉर्म्स और गाइडलाइंस के बाद ही बताई जाती है एम्प्लॉयज को कि यस दिस इज द स्टैंडर्ड कॉस्ट, तो आपको ये मेंटेन करके रखना है सो दैट द कॉस्ट कैन बी कंट्रोल्ड। लास्ट क्लासिफिकेशन इज बाय प्रोडक्शन प्रोसेस। इन दिस फर्स्ट इज बैच कॉस्ट। बैच कॉस्ट इज यूज बाय दोज कंपनीज जिनके लॉट में प्रोडक्शन होती है आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स की, जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स। इस केस में हर बैच डिफर होगा और जो यूनिट्स होगी वो हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे उनके बैच नंबर से। देन वी हैव अ प्रोसेस कॉस्ट। अगर कोई प्रोडक्ट एक पर्टिकुलर प्रोसेस से पास होगा, लेट सपोज टू मैन्युफैक्चर सम पर्टिकुलर प्रोडक्ट, देयर आर टू और थ्री टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस इन्वॉल्वड, तो उस सिंगल यूनिट के लिए हमें एक प्रोसेस कॉस्ट निकालना पड़ेगा कि हर प्रोसेस में कितना कॉस्ट इनकर होगा। ऑपरेशन कॉस्ट के अंदर द कॉस्ट इन्वॉल्वड इन अ पर्टिकुलर बिजनेस फंक्शन कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू प्रोडक्शन प्रोसेस। अगर एक पर्टिकुलर बिजनेस फंक्शन है लेट सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसकी कॉस्ट कितनी है, दैट इज द ऑपरेशन कॉस्ट। देन वी हैव ऑपरेटिंग कॉस्ट, जो डे टू डे एक्सपेंसेस इनकर हो रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में सो दैट जो बिजनेस है वो रेगुलरली चले, दैट इज द ऑपरेटिंग कॉस्ट। देन वी हैव अ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, जब भी सेलर और बायर में एक म्यूचुअली अग्रीड प्राइस होता है, टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं कि यस दे ही विल बी लाइक प्रोड्यूसिंग हिज प्रोडक्ट, दैट इज द कॉन्ट्रैक्ट। इस केस में वी प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट्स। तो इस केस में बिडिंग कॉन्ट्रैक्ट, प्राइस एस्केलेशन कॉन्ट्रैक्ट, टेंडर्स सब इंक्लूड होते हैं और हम इसमें यूज करते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। देन वी हैव अ जॉइंट कॉस्ट, इट्स अ कंबाइंड कॉस्ट जहाँ पे एक ही प्रोडक्शन प्रोसेस से दो या तीन प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होके आ सकते हैं। जैसे कि अगर हम मिल्क को प्रोसेस करेंगे तो उसमें से कॉटेज चीज भी निकल सकता है और बटर मिल्क भी निकल सकता है। वी विल डिस्कस दीज प्रोडक्शन प्रोसेस इन डिटेल इन द नेक्स्ट वीडियो, बिकॉज इसी के साथ ही आपके मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, जॉइंट कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, ये सब आता है। तो दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर दीज ऑल टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग इन डिटेल्स। आई होप ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड लाइक टू वॉच सिमिलर वीडियोज, देन लाइक एंड सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल ऑफ न्याय अकेडमी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।